नमस्कार। कांग्रेस की फिर बढ़ सकती मुश्किलें। राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली में दर्ज हुई शिकायत, नामांकन पत्र भी उनका खारिज किया जा सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संसदीय सीट रायबरेली से नामांकन पत्र जमा किए थे राहुल गांधी ने। शनिवार को नामांकन पत्रों की जांच के बाद 16 पर्चे खारिज किए गए, मात्र 8 पर्चे ही वैध घोषित हैं, जिनमें से राहुल गांधी का नाम भी है शामिल। लेकिन राहुल गांधी के नामांकन पर अब आपत्ति दर्ज कराई गई है। शनिवार को पर्चे की जांच की गई। कांग्रेस प्रत्याशी राहुल के मानहानि के मुकदमे में सजा हुई थी उस मामले को लेकर, और ब्रिटेन की नागरिकता उनके पास है ये आरोप लगाकर नामांकन पत्र खारिज कर दिया गया। बता दें, अधिवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह की आपत्ति पर राहुल गांधी की ओर से पूर्व विधायक और प्रस्तावक अजयपाल सिंह ने पेश होकर आपत्ति का विरोध में जवाब भी दिया। रिटर्निंग ऑफिसर और डीएम हर्षिता माथुर ने बताया, राहुल गांधी के नामांकन के खिलाफ आपत्ति मिली थी, जिस वजह से ऐसा किया गया। पर्चा खारिज न किया गया तो हाई कोर्ट में भी जाएंगे, ये भी कहा है अनिरुद्ध प्रताप सिंह ने, जो कि अधिवक्ता हैं आपत्ति करने वाले। और फिलहाल अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी की जो नामांकन पत्र है वो खारिज किया जा सकता है। खारिज करने की वजह सिर्फ यही बताएं कि ब्रिटेन की उनके पास नागरिकता है और मानहानि मामले में उनको सजा मिल चुकी है।